Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly that are uploaded for you. Children, do watch the videos because इसमें videos में chapter बहुत detail में आपको explain किया जाता है which is often not possible during online class, isn't it? Children, in my previous video I have started chapter 9, है ना? Chapter 9 start किया था. Chapter 9, Days to Celebrate, है ना? This I have started in my previous video and I have explained you about which days we are talking about in this chapter. Children, in this chapter we are going to discuss about festivals that are celebrated in our country as well as the festivals of our country that are celebrated in other countries also by the Indians who are residing there. जो विदेशों में जो हमारे देश के लोग रहते हैं वो वहाँ सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया में जो लोग रहते हैं वो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं. तो इस चैप्टर में हम फेस्टिवल्स की बात करेंगे. एक्चुअली तो हम बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हम सारे फेस्टिवल्स इस चैप्टर में नहीं डिस्कस कर सकते पर हम ऑल मेजर फेस्टिवल जितने भी मेन फेस्टिवल्स हैं दैट वी विल ट्राई टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. ओके, दो हम मैंने आपको बताया था कि हम बर्थडेज़ भी सेलिब्रेट करते हैं, हम एनिवर्सरीज़ भी सेलिब्रेट करते हैं, हम और भी बहुत सारे ओकेजन्स हैं जो सेलिब्रेट करते हैं. लेकिन बात हम इसमें हमें सिर्फ फेस्टिवल की करनी है. चैप्टर का नाम डेज टू सेलिब्रेट है लेकिन ये है एक्चुअली में सिर्फ फेस्टिवल से रिलेटेड. तो इस चैप्टर में हमने मैंने आपको बताया था फेस्टिवल किसे कहते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं. तो फेस्टिवल क्या होता है? एक ऐसा इवेंट होता है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग या पर्टिकुलर रिलीजन के लोग, पर्टिकुलर स्टेट के लोग उसको लोकली सेलिब्रेट करते हैं या नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट करते हैं. कुछ फेस्टिवल्स लोकल लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं और कुछ नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं. कम्युनिटी के फेस्टिवल्स भी नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होते हैं. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बात की थी दिवाली की. दिवाली जो है वो नेशनल लेवल पे सेलिब्रेट होता है दो इट इज़ रिलेटेड टू पर्टिकुलर कम्युनिटी. हिंदुइज़म से रिलेटेड फेस्टिवल है लेकिन इसे नेशनल लेवल पे मनाया जाता है. इट इज़ नॉट अ नेशनल फेस्टिवल लेकिन हर स्टेट, एवरी स्टेट सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल. ठीक है, तो इसलिए इसको नेशनल लेवल पे मनाया जाता है. तो फेस्टिवल दो तरह के कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिलीजियस फेस्टिवल और दूसरा होता है नेशनल फेस्टिवल. हमने स्टार्ट किया था रिलीजियस फेस्टिवल से और रिलीजियस फेस्टिवल में वी वर फर्स्ट डिस्कसिंग दिवाली. हमने दिवाली के बारे में बात करना शुरू किया था, है ना? हमने दिवाली की बात की थी और दिवाली जो है वो उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है ना? राम जी वाली कहानी बताई थी ना कि किस तरह से राम रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे. इस कॉन्टेक्स्ट में इसको मनाया जाता है और उस दिन बहुत अंधेरी रात थी, अमावस्या की रात थी. तो अयोध्या के लोगों ने पूरी अयोध्या को दीयों से सजा दिया था और पूरा जगमगा रहा था अयोध्या, बिल्कुल भी कहीं अंधेरा नहीं था ताकि उनके राजा को आने में कोई परेशानी ना हो. तो इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सारे हिंदूस दिवाली के दिन पूरे घर को दीयों और लाइटिंग से सजाते हैं. ठीक है, इस दिन मैंने आपको बताया था कि ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड मतलब गॉडेस लक्ष्मी घर में आती हैं. तो इसके लिए लोग अपने घर की पूरी साफ़ सफाई भी करते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग होती है, वाइट वॉश होता है, घर का सारा जंक फेंक दिया जाता है ये मानते हुए कि गॉडेस लक्ष्मी आएंगी, वो साफ़ सुथरे घर में आएंगी तो वो यहीं रहेंगी और हमारे पास प्रॉस्पेरिटी आएगी. तो इस दिन गणेश जी और लॉर्ड और गॉडेस लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उनको वर्शिप किया जाता है. कहीं कहीं पर गॉडेस लक्ष्मी के साथ साथ गॉडेस काली की भी पूजा होती है. काली माता का आपने, जो लोग हिंदू हैं उन्हें पता होगा काली, गॉडेस काली के बारे में. तो कहीं कहीं पर स्पेशली इन बंगाल गॉडेस लक्ष्मी के साथ साथ गॉडेस काली की भी इस दिन पूजा की जाती है, मिडनाइट में पूजा की जाती है. इस दिन लोग पूजा करने से पहले दे टेक बाथ, नहा लेते हैं,
नए कपड़े पहनते हैं. अगेन आई विल रिपीट, जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था, फेस्टिवल का नए कपड़ों से ऐसे कोई खास रिलेशन नहीं है, क्योंकि हर कोई नए कपड़े अफोर्ड नहीं कर सकता है. भले जिनकी रेगुलर इनकम है, अच्छे से जिनके घर में अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन है, दे कैन परचेज क्लोथ ऑन एवरी ओकेजन. बट थिंक अबाउट द पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड. तो ऐसा थोड़ी ना कि वो फेस्टिवल नहीं मनाएंगे. अगर नए कपड़े नहीं हैं तो हम फेस्टिवल नहीं मना सकते, या जिनके पास नए कपड़े नहीं हैं वो फेस्टिवल नहीं मना सकते, ऐसा तो नहीं है, है ना. तो फेस्टिवल का मतलब है साफ़ सुथरे कपड़े पहनना. गंदे कपड़े तो हमें वैसे भी कभी नहीं पहनने चाहिए, है ना, किसी भी दिन, चाहे फेस्टिवल हो या ना हो. क्लिनलीनेस तो रोज़ की चीज़ है ना, किसी एक दिन की चीज़ तो है नहीं. तो साफ़ कपड़े तो हमें रोज़ पहनने चाहिए, लेकिन फेस्टिवल के दिन हम इसका विशेष हम ख्याल रखते हैं कि हम साफ़ सुथरे कपड़े पहने, वेल आयंड कपड़े पहने. हो अगर पॉसिबल हो तो नए कपड़े पहने. नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, ज़िद नहीं करते हैं कि हमें नए कपड़े ही चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी के घर की कंडीशन कि वो नए कपड़े नहीं खरीद पाते हैं, तो ऐसे में कुछ बच्चे ज़िद करने लगते हैं कि अगर नए कपड़े आएंगे तभी हम फेस्टिवल मनाएंगे, नहीं तो नहीं मनाएंगे. ये गलत बात है, ज़िद नहीं करनी चाहिए. फेस्टिवल का कपड़ों से रिलेशन नहीं होता है, माइंड से, सोल से रिलेशन होता है. वन शुड बी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. हमें मन से खुश होना चाहिए, दिमाग से खुश होना चाहिए, ठीक है. सिर्फ बॉडी से खुश नहीं होना चाहिए, नए नए कपड़े पहने हैं और उसके बाद मूड ऑफ करके बैठे हैं, सबसे झगड़ा कर रहे हैं और मुंह फुला के बैठे हैं, तो क्या फेस्टिवल मन जाएगा कि नए कपड़े पहन लिए तो फेस्टिवल हो जाएगा? नहीं ना. मूड ख़राब है, उदास हैं, नए कपड़े पहन लिए हैं, सबसे लड़ रहे हैं, कमरे में जाके बैठ गए हैं, तो वो तो फेस्टिवल नहीं हुआ, चाहे आप कितने भी नए कपड़े पहन लीजिए, है ना. तो फेस्टिवल का मतलब होता है हैप्पीनेस, फेस्टिवल का मतलब होता है सेलिब्रेशन. तो सेलिब्रेशन के लिए हमें बहुत शो ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है. अपने स्टेटस, अपने इकोनॉमिक कंडीशन, अपने हैसियत के हिसाब से फेस्टिवल मनाया जा सकता है. दूसरों का देखकर, दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता है. शो ऑफ तो बिल्कुल नहीं करना चाहते. अच्छा तुमने इतने हज़ार का ख़रीदा, मैं इतने हज़ार का खरीदा. अच्छा तुमने इतने थाउजेंड का लिया, मैं ये चीज़ इतने थाउजेंड का लेकर मनाऊँगा. तुमने 5000 का ये चीज़ लिया, मैं 10000 का लूँगा. नो, डोंट शो ऑफ ऑन फेस्टिवल. फेस्टिवल इज, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ फॉर हैप्पीनेस. ये खुशी के लिए होता है, मन की शांति के लिए होता है, ठीक है. वन शुड फील कंटेंटेड, अंदर से संतुष्ट होना चाहिए. तो फेस्टिवल के दिन नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनिए. अगर पॉसिबल हो तो नए कपड़े पहन लीजिए, ठीक है, अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो. उसके बाद दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है. जो भी उन पे फूल, हार, माला, स्वीट्स, जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, हो जाता है पूजा. उसके बाद लोग एक दूसरे के घर स्वीट्स देते हैं, एक दूसरे से मिलने के लिए जाते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं. तो दिस इज़ जस्ट टू हैव दैट, कहते हैं कॉर्डियल रिलेशन के लिए, सबके साथ भाईचारा, अच्छा रिलेशन के लिए हम खुश हैं, दूसरों को भी खुश देखना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ गिफ्ट शेयर करते हैं और इन्जॉय करते हैं. अब इस दिन कुछ गलत काम भी होता है. कुछ लोग क्या करते हैं इस दिन, द गैम्बल. गैम्बल मतलब होता है जुआ खेलना. अब जुआ खेलना क्या होता है, पैसे का गेम खेलते हैं, और विच इज़ नॉट गुड. पैसों वाला गेम खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, जिसमें कि एक दूसरे के साथ पैसे लेते हैं या जीतते हैं या हारते हैं, जो भी होता है. और ये सोच के खेलते हैं, ओहो आज तो लक्ष्मी माँ आएंगी, आज माँ लक्ष्मी का नाम लेके मैं गैम्बल करूँगा और मेरे को बहुत पैसे मिल जाएंगे. दिस इज़ रॉन्ग. ये गैम्बलिंग जो है वो किसी भी फेस्टिवल पर नहीं होना चाहिए. जुआ किसी भी फेस्टिवल पे नहीं खेलना चाहिए. इट इज़ बैड हैबिट. ये बहुत बुरी आदत है, और कभी कभी इंसान के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, फिर वो लड़ाई झगड़ा करता है, मार पिटाई करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है. तो गैम्बलिंग जो होती है दैट इज़ नॉट गुड, जो दिवाली के दिन होती है. दूसरा, कुछ लोग जो है अल्कोहल लेते हैं, पी लेते हैं, शराब पी लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, विच इज़ अगेन नॉट गुड. अल्कोहल तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए, जनरल कॉमन डे में भी नहीं पीना चाहिए, दिवाली के दिन तो बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, ठीक. और क्या होता है, पटाखे. यस,
बच्चों को तो बड़ा अच्छा लगता है पटाखे चलाना, विच इज़ रॉन्ग। पटाखे जो है, राम जी आए होंगे तो पटाखे चले होंगे क्या? उस वक्त पटाखे थे नहीं ना, खुशियाँ मनाई जाती हैं ना। तो पटाखे से क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है, पटाखों से नॉइस पॉल्यूशन होता है और एयर पॉल्यूशन होता है। इतनी तेज तेज डबल ट्रिपल साउंड वाले पटाखे चलाते हैं, हमारे कान हिल जाते हैं। कुछ लोग तो डेफ़ हो जाते हैं, जिनको कान की प्रॉब्लम होती है थोड़ी बहुत, वो तो डेफ़ हो जाते हैं। छोटे जो बेबी बच्चे होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनको कितनी परेशानी होती है, कान में कॉटन डाल के रहना पड़ता है। जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं, जो बुढ़े लोग होते हैं, उनको इस साउंड से बहुत परेशानी होती है। और जो हार्ट पेशेंट हैं स्पेशली, जिनको दिल की बीमारी होती है, उनके लिए तो ये बहुत ही नुकसान वाला है, फैटल है। साउंड से उनको हार्ट अटैक भी आ सकता है। द पीपल मे डाई ड्यू टू दिस साउंड्स। नॉइस पोल्यूशन जो है वो बहुत ही ख़राब है, इंसान को डेफ बनाता है, हार्ट का बीमारी बना हो जाता है। तो एक तो ये नुकसान है पटाखों से, दूसरा एयर पोल्यूशन, अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेजर प्रॉब्लम ऑफ टुडेज एरा। अभी जो एनवायरनमेंट का जो हाल है, इतना पोल्यूशन हमारा डेली ही होता है, रोज़ हमारा नॉर्मल से ज़्यादा पोल्यूशन है हमारे एयर में। तो दिवाली पे ये 50-60 टाइम्स बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ दीज क्रैकर्स। क्रैकर से कितना धुआं होता है, देखते हैं ना, सब केमिकल का धुआं होता है और एक आर्टिफिशियल क्लाउड जैसा बन जाता है, जैसे स्मॉग बोलते हैं, स्मॉग और फॉग का एक कॉम्बिनेशन आता है, स्मॉग हो जाता है, तरफ तरफ हमें धुंधला धुंधला दिखता है। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ फॉग, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ एनी क्लाउड, इट इज़ बिकॉज ऑफ द पल्यूशन। पल्यूशन से स्मॉग होता है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाता है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं, जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है, एंड कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है। यस, ये क्रैकर्स एनिमल के लिए कितने नुकसानदायक हैं। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं या स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, वो कितना डर जाते हैं पटाखों की आवाज़ से, जल भी जाते हैं, बड़े बच्चे भी जल जाते हैं। यस, पटाखों से, क्रैकर से, कभी का आपने देखा होगा बच्चों के हाथ जल जाते हैं, कभी कभी किसी का चेस्ट जल जाता है, क्योंकि प्रिकॉशन नहीं लिया जाता है। बहुत अगर मन है पटाखे चलाने का, तो थोड़ा फुलझड़ी जला लिया, कोई हल्के फुल्के पटाखे जला लिए, बट ये जो बहुत साउंड वाले, बहुत स्मोक प्रोड्यूस करने वाले क्रैकर्स नहीं बर्न करना चाहिए। फेस्टिवल है, इन्जॉय करना है, ठीक है, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, मिठाई बांटिए। बहुत मन कर रहा है क्रैकर चलाने का, तो थोड़ा फुलझड़ी और कम साउंड वाला, कम पोल्यूशन वाला कोई भी क्रैकर्स थोड़ा बहुत चला सकते हैं, क्योंकि आप बच्चे हैं इसलिए, ठीक है। अच्छा, तो ये हुई बात दिवाली की, जो कि क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है। एक और फेस्टिवल है जिसका नाम दिवाली से मिलता जुलता है, और वो स्पेशली वाराणसी में मनाई जाती है, आपके बनारस में मनाई जाती है। कैन यू गेस, इट इज़ कॉल्ड देव दीपावली। यस, आपने नाम सुना है देव दीपावली, देवताओं की दीपावली बोला जाता है इसे। ये क्या है, ये बनारस का, वाराणसी का एक फेस्टिवल है, बट अब ये सिर्फ वाराणसी तक कन्फाइंड नहीं रह गया है। इस फेस्टिवल के बारे में अब ऑल ओवर इंडिया सबको पता है, इवन फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोगों को पता है। और इस दिन जो बनारस के जो घाट हैं, आपको पता है कि वाराणसी इज़ सिटी ऑफ टेम्पल्स, वाराणसी इज़ सिटी ऑफ घाट्स, यहाँ पे मोर देन 80 घाट्स हैं, ऑलमोस्ट 84 घाट्स हैं शायद। तो घाट्स जो है, बनारस के जो घाट हैं, वो पूरा दियों से सजा दिया जाता है, एकदम जगमगाते हैं दिए। यस, ये हम इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स और बल्ब्स की बात नहीं कर रहे हैं, दियों की बात कर रहे हैं, प्रॉपर अर्दन लैम्प्स की बात हो रही है। बनारस के घाटों को दियों से सजा दिया जाता है। कुछ स्पेशल घाट हैं, जैसे दशाश्वमेध घाट, राजेंद्र घाट, यहाँ पर विशेष स्पेशल डेकोरेशन होता है, और कई एमिनेंट पर्सनालिटी, फेमस पर्सनालिटी इस दिन वाराणसी आते हैं देखने के लिए। वंस और ट्वाइस द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑल्सो के नरेंद्र मोदी जी भी आए थे देव दीपावली को देखने के लिए। ऐसे बहुत फेमस पर्सनालिटीज़ आती हैं ये फेस्टिवल बनारस में देखने के लिए।
इसे देवताओं की दीपावली कहा जाता है। इस दिन जो बोट्स होते हैं, जो गंगा रिवर में जो बोट्स हैं, वो सारी बुक्ड हो जाती हैं, सारे स्टीमर्स बुक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट होते हैं वो इस फेस्टिवल को देखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। लोग बोट में बैठ के इस फेस्टिवल को देखना चाहते हैं, स्टीमर्स में बैठ के देखना चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त जो इस दिन जो वाराणसी के घाट की ब्यूटी होती है, दैट इज़ हेवनली। हेवनली मतलब बिल्कुल स्वर्ग के समान, इतना सुंदर लगता है घाट। अगर आप फर्स्ट टाइम वाराणसी में हैं तो डू विजिट देव दीपावली, विजिट घाट ऑन देव दीपावली। आप देखिएगा घाट के, लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया जाता है टेलीविजन्स पे। और इस दिन क्रैकर्स नहीं होता है, इस दिन दिया ही दिए दिखाए जाते हैं, दियों से सजाया जाता है, विशेष गंगा आरती की जाती है। और ये पटाखों वाला दिवाली नहीं होता है, ये दियों वाला दीपावली होता है। और वाराणसी में इसका स्पेशल इम्पॉर्टेंस है, इस फेस्टिवल का, देव दीपावली का। ठीक है, तो हमने दो फेस्टिवल बात किया दिवाली से रिलेटेड, वन इज़ दिवाली, अनदर वन इज़ देव दीपावली। ये दो फेस्टिवल्स हो गए। नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर फेस्टिवल एंड दैट इज़ दशहरा। दिवाली हमने बात किया, लिख देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट दशहरा। ये फेस्टिवल इंडिया में तो मनाया ही जाता है, हिंदूज का फेस्टिवल माना जाता है, बट अगेन आई वुड से ऐसा नहीं है कि अगर बोला गया कि हिंदूज का फेस्टिवल तो सिर्फ हिंदू ही मनाएंगे। नहीं, कोई भी रिलीजन के लोग इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं दशहरा को। इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, अगेन इसे भी नेशनल लेवल पे मनाया जाता है। इट इज़ नॉट अ नेशनल फेस्टिवल बट एवरी स्टेट सेलिब्रेट्स दिस फेस्टिवल। जहाँ जहाँ भी हिंदू लोग हैं वो मनाते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं तो वहाँ भी मनाते हैं। और इसे नेपाल में दशई के नाम से जाना जाता है, दशई बोलते हैं इसको। इसे बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। बंगाली लोगों का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जिसे बंगाल में दुर्गा पूजा बोला जाता है, ऐसे हम इसको दशहरा बोलते हैं, या उसको विजयदशमी भी बोलते हैं, और नेपाल में शायद दशई इसको बोला जाता है। नेपाल का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ दुर्गा हैं, गॉडेस दुर्गा, उन्होंने एक डेमोन को मारा था आफ्टर 10 days ऑफ वॉर। 10 दिन तक लड़ाई हुई थी, 10 दिन तक युद्ध हुआ था, और उसके बाद उन्होंने महिषासुर नाम के राक्षस को मारा था। दशहरे के दिन माँ दुर्गा ने डेमोन जो था, जो राक्षस था महिषासुर, उसका वध किया था। मतलब अगेन अच्छाई की जीत, बुराई की हार। तो ये फेस्टिवल भी अच्छाई की जीत का प्रतीक है और बुराई की हार का प्रतीक है। ठीक है, इसे जैसा मैंने बताया कि नेपाल का तो ये इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ही, इसे श्रीलंका में भी मनाया जाता है, इसे बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, और कई फॉरेन कंट्रीज़ में भी मनाया जाता है। ठीक है, ये फेस्टिवल को भी ऐसा माना जाता है कि जो 10 दिन की लड़ाई हुई थी ना राम और रावण की, वो उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है कि ये दिस इज़ द डेज, दीज आर द डेज वेन लॉर्ड राम हैड वॉर विद रावण एंड ही किल्ड रावण। उन्होंने दशहरे के दिन रावण को मारा था, दशहरे के दिन उन्होंने रावण को मारा था। और ये भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर को मारा था। तो दुर्गा माँ को शक्ति भी बोला जाता है, माँ दुर्गा को गॉडेस शक्ति भी कहा जाता है, पावर, गॉडेस ऑफ पावर। तो इस दिन क्या होता है, दशहरा कैसे मनाते हैं? दशहरा भी अलग अलग ढंग से मनाया जाता है। पहले तो 9 days का सेलिब्रेशन होता है, जैसे कि हिंदुइज्म में नवरात्रि बोला जाता है, नवरात्रि 9 nights, अलग अलग गॉडेस के नाम पर ये नाइट्स हैं। अब आई डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल द गॉडेसेस इन सीक्वेंस, मुझे सीक्वेंस में नाम अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हर डे को एक गॉडेस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अलग अलग गॉडेस के नाम है, चंद्र घंटा माता हैं, कालरात्रि हैं, और भी बहुत सारी गॉडेसेस हैं, आई डोंट नो द नेम्स ऑफ ऑल द गॉडेसेस, लेकिन हर
जो डे है नवरात्रि के, हर डे एक एक गॉडेस के साथ कनेक्टेड हैं. बट ये ऑल द नाइन गॉडेसेस आर एक्चुअली द इनकारनेशन ऑफ माँ दुर्गा. माँ दुर्गा के ही सारे रूप हैं. जितने भी ये नाइन गॉडेसेस हैं, दे आर ऑल रिलेटेड टू, दे आर ऑल इनकारनेशन ऑफ गॉडेस दुर्गा. तो ये जो नाइन डेज होता है, तो हिंदू लोगों में इसमें फास्टिंग किया जाता है. फास्टिंग करना मतलब व्रत रखना. दे विल नॉट ईट द कॉमन फूड, जो हम नॉर्मल खाना खाते हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल, और जो प्रॉपर मील खाते हैं वो नहीं खाते हैं. ईदर दे ईट फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, समथिंग विच इज़ नॉट ग्रेन, जो ग्रेन है वो नहीं खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं. और नाइन डेज, कुछ लोग पूरे नाइन डेज तक फास्टिंग करते हैं, कुछ लोग फर्स्ट डे और लास्ट डे फास्टिंग करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी. सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसके अकॉर्डिंग लोग फास्टिंग करते हैं. उसके बाद लास्ट के जो थ्री डेज होते हैं, जो दुर्गा पूजा के, माँ दुर्गा का आइडल लाया जाता है. शहर में, अलग अलग शहर में, एवरी सिटी, हर अलग अलग शहर में पंडाल लगाए जाते हैं. अब पंडाल क्या होता है? पंडाल होता है, इट्स लाइक अ टेंट, एक टेम्प्रेरी यू कैन से अरेंजमेंट किया जाता है. उसके अंदर गॉडेस दुर्गा की का आइडल रखा जाता है. डेमोन का भी होता है आइडल, और वो पोज होता है कि माँ दुर्गा जो है वो डेमोन को ऐसे मार रही हैं, त्रिशूल से, ट्राइडेंट से उसको मार रही हैं. और उनका लायन है, माँ दुर्गा का जो लायन है वो रहता है. तो ये जगह जगह जो पंडाल्स होते हैं, उसमें माँ दुर्गा का आइडल रखा जाता है विद दिस डेमोन इन द पोज ऑफ किलिंग द डेमोन. उसके बाद लोग पंडालों में जाके प्रेयर करते हैं, घर में भी प्रेयर करते हैं. और इस दिन फेयर लगता है, मेला लगता है शहरों में, अलग अलग शहरों में डिपेंड करता है. जैसे कि वेस्ट बंगाल में तो बहुत ग्रैंड फेयर लगता है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है. वहाँ पर इतने डिज़ाइनर पंडाल्स बनाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल में जो दुर्गा पूजा का पंडाल होता है ना, उसमें कॉम्पिटिशन्स होते हैं किसका पंडाल कितना अच्छा होगा, किसका पंडाल कितना यूनिक होगा. अलग अलग मटेरियल्स यूज़ करके पंडाल बनाए जाते हैं, इको फ्रेंडली पंडाल्स बनाए जाते हैं, इको फ्रेंडली आइडल्स बनाए जाते हैं. तो एक कंपटीशन लेवल पे पंडाल्स और आइडल्स बनते हैं कि किसका आइडल कितना यूनिक होगा, किसका पंडाल कितना यूनिक होगा. ये अलग अलग शहरों पे डिपेंड करता है. अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ हैप्पीनेस, अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज़ सेलिब्रेशन, व्हाट मैटर्स इज़ वर्शिप. तो फिर नाइन डेज के बाद पूरा ये नवरात्रि ख़त्म होती है, तो टेंथ डे जो होता है, जो दसवां दिन होता है, वो होता है दशहरा. दशहरा के दिन बहुत सारे शहरों में ऐसा होता है कि एक पुतला बनाया जाता है रावण का, और क्या बोलते हैं उसको, कुंभकर्ण और मेघनाथ. रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, लेट मी राइट इट. एफिजी मतलब क्या बोलते हैं, पुतला, ठीक है, पुतला. तो दशहरे के दिन रावण का पुतला, कुंभकर्ण का पुतला और मेघनाथ का पुतला बनाया जाता है. और छोटा छोटा पुतला नहीं बनाया जाता, छोटा छोटा एफिजी नहीं होता है, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा बड़ा एफिजी बनाया जाता है, बहुत बड़े बड़े पुतला बनाया जाता है, और जिसके अंदर क्रैकर्स भर दिया जाता है. अगेन आई एम, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैकर्स, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं करते हैं ये, लेकिन बहुत प्रिकॉशन रखना पड़ता है. ऑफकोर्स ये पुतले बनाने के बाद बहुत प्रिकॉशन रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर क्रैकर्स होते हैं विच कैन लीड टू, विच मे लीड टू सम एक्सीडेंट, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है. और रावण तो मेन है, उसके अलावा कुंभकर्ण और मेघनाथ, ये भी डेमोन थे. कुंभकर्ण वॉज ब्रदर एंड मेघनाथ वॉज सन. तो ये जो हैं, ये तीन पुतले बनाए जाते हैं. कहीं कहीं पर सिर्फ एक पुतला भी बनाया जाता है, एक एफिजी भी बनाई जाती है, सिर्फ रावण की भी बनाई जाती है, कहीं कहीं पे तीनों की बनाई जाती है. फिर क्या किया जाता है, फिर कोई रावण, राम बनता है और लक्ष्मण बनता है,
फिर राम लक्ष्मण बन के वो तीर धनुष लेते हैं, बो एंड एरो, एंड दे शूट एट रावण, कुंभकर्ण एंड मेघनाथ एफिजी. उसके जो पुतले होते हैं उन पे तीर चलाया जाता है और वो तीर में फायर लगा होता है, आग लगा होता है. वो जैसे ही रावण के पुतले के पेट में जाता है, वो जो आग की वजह से वो जो पटाखे भरे होते हैं उसके अंदर, वो पड़ 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 फटने लगते हैं और खूब तेज़ तेज साउंड होने लगता है और रावण का पुतला जो है वो एफिजी जो है वो जल जाती है. ये माना जाता है कि बुराई मर गई. लेकिन बुराई मरती है क्या? नहीं मरती है ना. बुराई अंदर से मारनी होती है. एफिजी जला के हम किसी बुराई को नहीं मार सकते. अपने अंदर के बुराई को मारेंगे तभी बुराई मरेगी. सिर्फ किसी का पुतला बना के जला देने से बुराई ख़त्म नहीं होती है, ये हमें समझना है. जो भी हमारा ट्रेडिशन हो, जो भी हमारा कल्चर हो, वो अलग चीज़ है. दैट इज़ सिंबल कि बुराई की हार हो रही है और अच्छाई जीत रही है. राम ने रावण को मार दिया. अब यहाँ तो असली के राम नहीं है. कोई राम बन के तीर मारता है और रावण के पुतले में आग लगा देता है, रावण का पुतला जल के ख़त्म हो जाता है, मतलब बुराई ख़त्म हो गई. ये तो हम सिंबलाइज कर रहे हैं. वी आर सिंबलाइजिंग इट. बट एक्चुअली में बुराई कैसे ख़त्म होगी? सिर्फ पुतला जलाने से ख़त्म नहीं होगी. हमें अपने मॉरल्स को इम्प्रूव करना है, अपने मॉरल वैल्यूज़ पे वर्क करना है. हम सबको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ बच्चों को या इसको या उसको, एवरीबडी, सब किसी को अपने मॉरल वैल्यूज़ पे, अपने एथिक्स पे वर्क करना है. कहीं भी बुरा चीज़ देखें तो उसे रोकें. कभी बुरा कोई काम ना करें, कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे दूसरों को नुकसान हो, दूसरों को हर्ट करें. ना ज़बान से, ना बोल के हर्ट करें और ना ही फिज़िकली हर्ट करें. ठीक है, बुराई जो है वो हमारे अंदर होती है. तो वो पुतला वाला रावण जलाना तो सिंबल है, असली का रावण अंदर से जलाना है. अपने जो हमारे मन में जो बुराई बैठी है, हमारे मन का जो रावण है उसको ख़त्म करना है. और उसके लिए राम बाहर से नहीं आएंगे, उसके लिए राम हमें खुद बनना होगा. खुद राम बनेंगे और अपने अंदर के रावण को मार डालेंगे. सबके अंदर बुराई होती है, सबके अंदर अच्छाई होती है. सब में थोड़ा थोड़ा अच्छा चीज़ होता है, सब में थोड़ा थोड़ा बुरा चीज़ होता है, सब में होता है. क्या करना है? अपने अंदर का जो राम है उसको आगे बढ़ाना है और अपने अंदर के रावण को ख़त्म कर देना है, बुराई को ख़त्म करना है ग्रेजुअली. सिर्फ एफिजी जला के हम किसी भी बुराई को, किसी भी रावण को हम नहीं मार सकते. अगर ऐसा होता तो फिर बुराई तो ख़त्म हो गई होती ना. इतने सालों से हम रावण जला रहे हैं ना. मतलब हमारे पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स के टाइम से ये रावण की एफिजी जल रही है. तो अब तक तो बुराई को ख़त्म हो जाना चाहिए था. अब तक तो रावण को होना ही नहीं चाहिए था, है ना. ये बुराई तो होनी ही नहीं चाहिए थी. क्यों नहीं ख़त्म हो रही बुराई? क्योंकि हम इसे अपने अंदर से ख़त्म नहीं कर रहे हैं. तो हमें अपने अंदर के राम को यूज़ करना है और अपने अंदर के रावण को मार डालना है. ठीक है, दिस इज़ वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दशहरा, किलिंग द इविल इन आर सेल्फ, विक्ट्री ऑफ गुड इन आर सेल्फ एंड डिफीट ऑफ इविल इन आर सेल्फ. हमारे अंदर की बुराई की हार और हमारे अंदर की अच्छाई की जीत, यही है दशहरा. ठीक है, बुराई ख़त्म हो जाएगी, अच्छाई हो जाएगी, सब तरफ अच्छा होगा एंड वी विल फील हैप्पी, वी विल फील कंटेंटेड. ठीक है, तो ये जो रावण का जलाने वाला जो चीज़ है, ये स्पेशली ज़्यादातर ये नॉर्थ इंडिया में किया जाता है, साउथ में नहीं किया जाता है. साउथ इंडिया में रावण नहीं जलाया जाता है, नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, और वेस्ट में भी जलाया जाता है. वहाँ रावण का पुतला जलाया जाता है, बाकी हर जगह नहीं जलाया जाता है. तो ये हुआ हमारा दशहरा के बारे में. ठीक है, दशहरा के दिन फंक्शंस होते हैं, कई क्रैकर शोज़ होते हैं, लाइटिंग शो होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑन ईच स्टेट. हर स्टेट के हिसाब से होता है ये. मेन उसका जो फीलिंग है वो यही है कि बुराई हारेगी और अच्छाई जीतेगी. आज हमने दिवाली, देव दीपावली, दशहरा, ये तीनों को कंप्लीट किया है ना. अब हम बात करेंगे आगे जो फेस्टिवल की. पहले हम हिंदुइज़्म वाले सारे फेस्टिवल ख़त्म कर लेते हैं, फिर वी विल मूव ऑन, एक एक करके मूव करेंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस होली.
होली डिस्कस करेंगे, पर आज के वीडियो में नहीं करेंगे। होली को हम अगले वीडियो में करेंगे। फिर हमारे पास जन्माष्टमी भी है, पोंगल है, गणेश चौथ, गणेश पूजा है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। मैंने बोला था ना, इंडिया तो फेस्टिवल का ही कंट्री है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। ओके, आज के वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।